स्वभावतः मुझे तत्कालीन लाभ मेरी सोच का दायरा नहीं होता है, छोटा सोचना मुझे पसंद नहीं है, और इसलिए मुझे कभी लगता है कि 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को अगर जीना है तो फिर छोटा देश सोचने का मुझे अधिकार भी नहीं है। और इसलिए जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। इस मिजाज के साथ हमने आगे के लिए एक नए हौसले, नए बुलंद विचारों के साथ इस सरकार को अभी तो 3 सप्ताह हुए हैं, लेकिन हमारे यहां कहावत है पुत्र के लक्षण पालने में, किस प्रकार से 3 सप्ताह में हमें भी मन करता था कि कहीं जाए, मालाएं पहने, जयकारा करें, लेकिन हमने वो रास्ता नहीं चुना। हमें भी लगता था अरे इतने चुनाव 6 महीने से दौड़ रहे थे, चलो कुछ दिन रहे, हम भी आराम कर ले, लेकिन वो रास्ता हमें पसंद नहीं, हमारा रास्ता वो नहीं है, हम तो देश के लिए जीने के लिए आए हैं। 3 सप्ताह के भीतर भीतर कितने महत्वपूर्ण निर्णय ले लिए सरकार ने, एक गतिशील समय का पल पल उपयोग करते हुए देश को कैसे आगे ला जाना। छोटे किसान हो, छोटे दुकानदार हो, खेत मजदूर हो, उनको 60 साल के बाद पेंशन वाला निर्णय कर लिया। हमारे पीएम किसान समृद्धि योजना, हमने वादा किया था कि सभी किसानों को उसके दायरे में लाकर उसका लाभ दिया जाएगा, दे दिया गया। सेना के जवानों के बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती है उसमें बढ़ोतरी की, लेकिन साथ साथ समाज की सुरक्षा में लगे हुए हमारे पुलिस के जवान हैं, उनके बच्चों को भी वो बेनिफिट मिले, इसका एक बहुत बड़ा निर्णय किया। मानव अधिकारों से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण कानून इस संसद के अंदर हमने लाने के लिए जो भी आवश्यक तैयारियां थी उसको पूरी कर ली। 2022 के सपनों को पूरा करना, मुख्यमंत्री की मीटिंग बनाना, ऑल पार्टी की मीटिंग बुलाना, ऑल पार्टी प्रेसिडेंट की मीटिंग बुलाना, हर चीज को जितना भी 3 सप्ताह के भीतर भीतर सबको साथ लेकर के चलने के लिए जितने भी काम हो सकते हैं एक के बाद एक कामों को उठाया। मैं पूरी गिनती करूंगा तो शायद डेली के 3 काम निकल आएंगे।